स्वागत है एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम पर। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11वीं के विद्यार्थियों के लिए और बातचीत होगी मॉडल प्रश्न पत्र पर, जो कि द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया। तो चलिए, आज हम लोग जो है मॉडल सेट 1, 2 और 3 के अंतर्गत जो सेक्शन ए है आपका, यानी कि जहाँ पर आपको दो दो अंक के सवाल पूछे गए हैं सभी मॉडल सेट का, तो वो सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन आज आपको हम इस एक वीडियो के माध्यम से जो है कवर करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक अवेलेबल करवा दिया है, जहां से आप आसानी से ये कंप्लीट सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि खंड ए के अंतर्गत किस तरह से सवाल किए गए हैं मॉडल शीट 1, 2 और 3 में। तो जो पहला प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है सेट वन का पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक कारखाना में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा। देखिए, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर में, सांख्यिकी के अंदर में हम लोग तीन तरह का जो है औसत पढ़ते हैं जनरली, है ना। वैसे देखें तो जितने भी हम लोग अनुमानित रूप से चीज़ों को निकालते हैं वो सारा लगभग औसत ही हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तीन जो मुख्य रूप से औसत का जो है ज्ञान अर्जित करते हैं, कह लीजिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत और सांख्यिकी में, तो ये सांख्यिकी के अंदर तीन जो औसत हैं वो कौन कौन से हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। तो ये तीन आपके कहलाते हैं औसत। तो बोल रहा है कि एक कारखाना है तो उसमें औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए बताइए कौन सा औसत उपयुक्त होगा। तो देखिए, मजदूरों की मजदूरी का पता लगाना है तो ये समझिए आप कि मजदूर हैं और उनकी मजदूरी, क्या कारखाने के अंदर में सभी मजदूरों की मजदूरी अलग अलग होगी या फिर सेम होगा। तो कहेंगे आप भाई कि लगभग लगभग जो है वो सबकी मजदूरी एक ही जैसा रहेगा, समान काम के लिए समान मजदूरी दिया जाता है। तो वहाँ पर आप जो हैं इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आपको चूंकि सभी का इनकम दिया हुआ है, सबकी मजदूरी दी हुई है, और सबकी मजदूरी दी हुई है तो आपको पता चल जाता है कि कितना मजदूरी पर जो है वो खर्च हो चुका है और कितने सारे मजदूरों को मजदूरी दिया जा चुका है ना। मतलब मजदूरी पर कितना खर्च हुआ है और मजदूरों की संख्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मजदूरी पर हमारा जो है वो 10,000 रुपये जो है वो खर्चा हुआ है, ठीक है ना। अब 10,000 रुपये किस पर खर्चा हुआ, टोटल 10 मजदूरों पर। कितने मजदूरों पर, 10 मजदूरों पर। तो इससे निकालना तो आसान है ना, क्या कर रहे हैं यानी कि हम कुल अवकलनों की संख्या, यहाँ पर अवकलनों का योग निकाल रहे हैं, कुल अवकलनों का योग डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं हम लोग, अवकलनों की संख्या, यानी कि मजदूरों की संख्या कितनी है और मजदूरों पर जो है कुल मजदूरी कितनी खर्च की गई या फिर मजदूरों को कितना मजदूरी दिया गया, कितने मजदूरों को, 10 मजदूरों को। तो ये जो हम फाइंड करते हैं ये एक एवरेज है कि नहीं, और इसे हम बोलते हैं माध्य, यानी कि एक्स बार। तो ध्यान रखिएगा कि कारखाने की मजदूरी दे या फिर परिवार की औसत आय निकालने के लिए दे, तो उस समय सबसे उपयुक्त तो कौन सा होता है, हमारा माध्य होता है, या फिर कह लीजिए कि मीन हमारा सबसे उपयुक्त होता है। किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए, औसत आय या फिर औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए। क्लियर हो गया। ये आसान क्यों है और ये प्रयोग क्यों किया जाएगा, ये उपयुक्त क्यों है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि इसे हल करने के लिए किसी विशेष तरह का जो है बहुत डायनेमिकल कोई फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। डायनेमिक कोई फॉर्मूला तो इस्तेमाल हो नहीं रहा है, साधारण सा फॉर्मूला है जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसीलिए माध्य जो है वो सबसे उपयुक्त तो होगा कारखाने की आय का पता लगाने के लिए या फिर कारखाने की मजदूरी का पता लगाने के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसे हटाते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। देखिए, माध्य विचलन जब भी हम लोग निकालते हैं, माध्य विचलन निकलता कैसे है, पहली चीज को तो आप देखिए, और कई सारे जो प्रश्न आपको दिए हुए माध्य विचलन वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए कि x बराबर दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कुछ। अब बताइए इसका माध्य कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबको समीशन निकालोगे, यानी कि x सिग्मा x करोगे, तो यहां पर आपका निकल जाएगा कितना, 150। सबको जोड़ा तो निकल जाएगा 150, है ना। अब यहां पर 150 आ गया तो माध्य कैसे निकालोगे, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स लिखते हैं इसको, एक्स बार लिखते हैं इसको, और हम लोग फॉर्मूला क्या नोट करते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई क्या, एन, है ना।
यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि मूल्यों को हमने जोड़ लिया और जितने मूल्य दिए हुए हैं उसको हम काउंट करके जो है डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे चूँकि सिग्मा एक्स हमारा है 150 और हमने देखा अभी काउंट करके कि ये कितना था 5, तो इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कितना निकल जाएगा 30, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया है, ये चीज़ तो आप जानते भी हैं, लेकिन इसका डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी लिखते हैं, है ना। डेविएशन किससे निकाल रहे हैं, एक्स से, तो क्या लिखते हैं डी एक्स। डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें हो जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन जब भी डेविएशन निकालते हैं तो इसमें हम लोग मोड का प्रयोग कर देते हैं, और मोड का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो है वैल्यू, यानी कि जो भी डेविएशन अभी नेगेटिव में निकलेगा वो भी हमारा जो है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि हमने क्या लिया हुआ है, एक्स बार हमारा कितना आ गया 30, यानी कि एक्स बार की जगह पर इसे थोड़ा सीधा लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार की जगह पर, तो हमारा एक्स बार कितना है 30 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 में से माइनस कीजिए 30, तो कितना बचना चाहिए, माइनस में 20। लेकिन चूंकि हमने मोड जो है प्रयोग किया हुआ है इस प्रकार से, तो ये जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है, कि ये माइनस और प्लस के चिन्हों को जो है वो नहीं स्वीकार करता है, या फिर कह लीजिए कि हमने जो लिखा हुआ है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, माध्य विचलन में सभी पदों को धनात्मक मान लिया जाता है। माध्य विचलन में जितने भी पद अभी निकलेंगे उन सबको क्या मान लेता है, धनात्मक मान लेता है, अर्थात इसमें बीजगणितीय चिन्हों, यानी कि बीजगणितीय चिन्ह मतलब प्लस माइनस गुना भाग वाला जो भी चिन्ह होता है उसको बोलते हैं, तो बीजगणितीय चिन्हों यानी कि प्लस और माइनस का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए 20 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो माइनस में कितना बचना चाहिए था 10, लेकिन ये हम लिखते हैं प्लस में 10। उस प्रकार से 30 और 30 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में कितना होना चाहिए था 10, तो प्लस भी लिखने के लिए नहीं कह रहा, हालांकि प्लस तो छुपा हुआ रहता है, मतलब जो माइनस में आया उसको प्लस में मान लिया। यही इसकी जो है डिमेरिट है, किसका, माध्य विचलन का, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है, हालांकि हमने ये निकाल दिया तो सॉल्यूशन भी आपको करवा देते हैं कि माध्य विचलन निकलता कैसे है। ये तो विचलन निकल गया, लेकिन माध्य विचलन निकालना है, तो विचलन निकल गया। अब देखिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना होगा, सो पहले इसे आप काउंट कीजिए, ठीक है ना, यानी कि समेशन मोड डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये आपका हो गया 30 और इधर 30 60 हो गया, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य विचलन यानी कि हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स बार इक्वल टू क्या, तो लिखते हैं सिग्मा मोड डी एक्स, है ना, और इधर हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाई एन, यानी कि ये टोटल कितना आ गया है 60, यानी कि 60 और n बराबर हमारा तो 5 था, तो कितना आ जाएगा हमारा 12, यानी कि माध्य विचलन हमारा कितना आ गया 12। तो आप माध्य विचलन निकालना भी सीख गए और उसमें क्या डिमेरिट था ये भी आपको पता चल गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब घबराइए नहीं, हर एक सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से मिल जाएंगे, और इन सारी चीज़ों को आप अभ्यास कीजिए 2 से 3 बार और आप सीधा जो एग्जामिनेशन में जा करके बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई तो थोड़ी बहुत की ही है, है ना। चलिए बाकी देखते हैं आगे प्रश्नों पर। जिन जिन विद्यार्थियों को किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं, हम उस पर जो है कोशिश करेंगे कि फटाक से एक वीडियो अपडेट हम कर दें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, लेसपेयर का कीमत सूचकांक का सूत्र लिखने के लिए कह रहा है, लेसपेयर का कीमत सूचकांक का सूत्र क्या होगा। तो लेसपेयर का बोले या फिर पासे का बोले या फिर फीसर का आदर्श सूचकांक बोले, सबका फॉर्मूला जो है कैसे होगा, सो ध्यान दीजिए। पहला चूंकि बोला है लेसपेयर, तो लेसपेयर का लिखते हैं, है ना, लेसपेयर का, कहीं कहीं लेसपेयर लिखता है, और इसे हम लोग जो है इसका सूचकांक निकालेंगे क्या हो जाएगा, P01 लिखते हैं हम लोग। इन्होंने क्या कहा था कि समेशन हम लोग लेंगे, यहां पर देखिए ये तो रहता ही है, ये रहता ही है, मतलब ये आधार वर्ष का मूल्य का समेशन और ये चालू वर्ष के मूल्य का समेशन। लेकिन इन्होंने कहा कि हम आधार वर्ष की मात्रा को ही लेंगे, ठीक है ना, और इनटू में 100, ठीक है। इस प्रकार से पहला जो सूत्र हो गया वो किसका हो गया, लेसपेयर का। दूसरा सूत्र में क्या है, सो ध्यान दीजिए, जिसका सूत्र है क्या, नाम है पासे, पासे विधि बोलते हैं या फिर पासे का सूत्र बोल सकते हैं।
इन्होंने भी सूत्र दिया किस प्रकार से, जब इन्होंने आधार वर्ष की मात्रा को लिया, जिसमें जीरो जीरो लगा हुआ है ना उसको आधार वर्ष समझिएगा, आधार वर्ष का ये क्योंकि क्यू है तो इसलिए मात्रा बोलेंगे, और चूंकि पी है तो इसलिए आधार वर्ष का मूल्य बोलेंगे, ये चालू वर्ष का मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसा इन्होंने बोला, यहाँ पर इतना तो रहेगा ही, ठीक है ना, आपको पता है। तो ये समीशन किसका हो गया, चालू वर्ष का मूल्य का, और ये किसका मूल्य हो गया, आधार वर्ष के मूल्य का समीशन। लेकिन जब मात्रा की बात आती है तो इन्होंने कहा कि हम चालू वर्ष की मात्रा को लेंगे और इनटू 100, ये दो फॉर्मूले अलग अलग हो गए। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है जब, किसका, तो यहाँ पर बात करें हम फीसर का। और फीसर साहब क्या कहते हैं, फीसर का ये जो है वो आदर्श सूचकांक माना जाता है। आदर्श कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें जो है ऐसे होनी चाहिए, तो जहाँ पर चाहिए शब्द का इस्तेमाल रहता है हम लोग को पता है वो आदर्श होता है, आदर्श सूचकांक होता है ना। जैसे हम कहते हैं कि मंदिर प्रवेश करने से पहले आपको जूते और चप्पल पहले ही खोल लेना चाहिए, तो ये सब आदर्शता की बात होती है ना। या फिर सुबह उठकर को जो है वो माँ पापा का जो है पैर छू करके जो है आशीर्वाद लेना चाहिए, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, आदर्श होते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से फीसर ने जो सूचकांक का फॉर्मूला दिया उसे आदर्श सूचकांक कहा गया। फॉर्मूला देखिए किस प्रकार से है, इन्होंने लिया किस प्रकार से, या तो आप पहले ये 100 मल्टीपल कर लीजिए, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और अंडर रूट इसने क्या किया, दोनों फॉर्मूले को एक साथ में ले लिया। इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए P1Q0 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0Q0 इंटू क्या है, तो इंटू में ये रख लिए सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सिग्मा P0Q1, और चूंकि इनटू 100 में दोनों तरफ था तो 100 इन्होंने भी रखा हुआ है। अब चाहे तो इधर भी रख सकते हैं इधर से हटा करके, ठीक है ना, यहाँ से हटा दिया मान लीजिए, और इधर भी आप रख सकते हैं इस प्रकार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तीनों सूत्र हमने लिख दिया, लेस्पियर का, पासे का और फीसर का। ये ध्यान रखिएगा कि फीसर के सूचकांक को ही आदर्श कीमत सूचकांक या फिर आदर्श सूचकांक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम हटा देते हैं, अगर नोट करना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, हटा देते हैं हम इसे। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा उस पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चिरकालिक निर्धन किसे कहा जाता है। चिरकालिक निर्धन का मतलब हुआ, चिरकालिक मतलब जो लंबे समय से गरीबी में है, मतलब जो गरीबी के दलदल में फंस चुका होता है, एक प्रकार से समझिए, जिसे हम दूसरे शब्दों में या फिर नरकसे के शब्दों में कहें तो इसे गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है, मतलब गरीबी के जंजाल में वो फंस चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर चिरकालिक निर्धन का यही मतलब है कि वे व्यक्ति जो सदैव निर्धन बने रहते हैं, सदैव गरीब बने रहते हैं, हमेशा गरीब रहते हैं, उसे हम कहते हैं चिरकालिक निर्धन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी क्या होता है भाई, मानव क्या खुद भी पूंजी होता है या नहीं, होता है सर, कैसे, इसीलिए तो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, या फिर इसीलिए तो हम अपना जो है वो फिटनेस बना करके रखते हैं, हम अपना हेल्थ बना करके रखते हैं, ताकि आगे चल करके हम एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बने, अच्छा मानव पूंजी बने, ताकि हम अपने देश अपने समाज के काम आ सकें। बात समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पर मानव पूंजी का क्या मतलब है, एक निश्चित समय में, क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित समय में देश में वैसे व्यक्तियों की संख्या प्राप्त करना और उनकी मात्रा को बढ़ाना, है ना, जिसमें शिक्षा हो, कौशल हो, और जो अनुभव के आधार पर देश के अंदर में जो है उत्पादन की क्रिया में भाग लेता हो, ऐसे ही व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं, यानी कि मानव खुद भी एक पूंजी होता है उत्पादन के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए कहेंगे कि ये मानव पूंजी क्या करेगा, शिक्षा प्रशिक्षण अच्छा है, अनुभव अच्छा है, इसके माध्यम से या तो राजनीतिक क्षेत्र में या फिर वो आर्थिक जगत में अपना एक अहम भूमिका रोल अदा करता है देश के अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मानव पूंजी। जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, या फिर वकील हो गए, ये सब सभी लोग कहलाते हैं मानव पूंजी। एक मजदूर हो गए, है ना, ये सब सभी लोग क्या हैं, मानव पूंजी हैं, ह्यूमन कैपिटल हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ज्ञान से और जो इन्होंने प्रशिक्षण लिया है या फिर जो अनुभव है इनका, इन्हीं के आधार पर ये राजनीतिक या फिर कह लीजिए कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर में काम कर रहे होते हैं, जिससे कि देश का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ऐसे व्यक्तियों को जो है वो मानव पूंजी कहा जाता है जो शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर जो है राजनीतिक या फिर आर्थिक जगत में अपना योगदान देते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या छठा क्या बोल रहा है, बोला कि ग्रामीण साख के किन्हीं दो स्रोतों का नाम लिखिए। ग्रामीण साख कहने का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी में बोले तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर बोले तो रूरल क्रेडिट जो कह रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि ग्रामीण साख यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए, उनको लोन चाहिए या फिर ऋण चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर के लिए अलग बात है लेकिन ग्रामीण साख के लिए अलग बात है। एग्रीकल्चर में सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीण साख के अंदर जो है वो ओवरऑल सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, चाहे तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हों या फिर ना जुड़े हुए हों। हालांकि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है तो गांव के अधिकांश लोग चूंकि जो है क्या करते हैं, अधिकांश नहीं 100% आप कह लीजिए कि वो लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं, है ना। हम लोग किसान परिवार से हैं तो हम लोग कृषि से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अब चूंकि हमारी आमदनी निश्चित होती नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी जो व्यवसाय है वो डिपेंड किस पर होता है भाई, वो डिपेंड होता है हमारा नेचर पर, कि वर्षा अच्छा हुआ तो फसल अच्छी है ना, या फिर मौसम अच्छा रहा तो फसल अच्छी, तो ये पूरी तरह से जो हो प्रकृति पर निर्भर होता है और इसी वजह से किसानों की आमदनी निश्चित नहीं हो पाती है ना। और इसी को पूरा करने के लिए अब चूंकि आमदनी जो है स्पष्ट नहीं है कि कितनी होगी नहीं होगी, है ना, इस वजह से जो है ज़्यादातर इन लोगों को या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है वो साख की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर पहले हम जो है बात करें कि परंपरागत रूप से इन्हें ऋण कहाँ से मिलता था, तो देश के अंदर में पहले सेठ साहूकार महाजन जो हुआ करते थे वही लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को या फिर किसानों को जो है ऋण उपलब्ध करवाते थे। हालांकि उसके लिए क्या होता था कि जमीन का कागज या फिर कुछ ऐसी संपत्ति है तो उसको जो है एक समझिए तो गिरवी के तौर पर रखते थे और फिर जो है वो सेठ साहूकार महाजन जो भी हुआ करते थे वो किसानों को लोन दिया करते थे। फिर जो है 1969 में ही जो है क्या हुआ, देश के अंदर में एक बड़ी क्रांति इस बात की आई कि जितने भी व्यावसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना, जिससे क्या हुआ अब व्यावसायिक बैंक भी जो है वो जो है लोन प्रोवाइड करने लगे, है ना। अब समझिए कि इससे पहले वो क्या थे, सारे बैंक पहले क्या थे, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है लोन देते थे। नेशनलाइजेशन होने से सरकार की चूंकि जो है हित में आ गया बातें, चूंकि उसको रेगुलेट करने का काम जो है आरबीआई के हाथ में पड़ गया, तो अब जो है वो ग्रामीण साख के लिए चूंकि स्रोतों का विस्तार हो गया, और जहां पर सेठ साहूकार महाजन किसानों का शोषण किया करते थे वो चीज़ें कुछ हद तक समाप्त भी हुई। तो यहाँ पर एक मकसद भी पूरा हो गया कि हमें गैर संस्थागत ऋणों के साथ साथ में संस्थागत ऋणों भी आसानी से उपलब्ध होने लगी। तो ये दो स्रोत हैं जो पूछ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा ग्रामीण साख के लिए, है ना, ग्रामीण साख यानी कि रूरल क्रेडिट के लिए दो स्रोत कौन कौन से होंगे। तो पहली चीज तो आप इसे क्लासीफाई कर लीजिए किसमें, तो एक होता है संस्थागत स्रोत, है ना, संस्थागत स्रोत, ठीक है। हालांकि आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है लेकिन आप इस प्रकार से करके लिखेंगे मुझे लगता है कि आपका अंक बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना, कटेगा नहीं। और दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत, आप इसी प्रकार से लिखना, ठीक है ना, क्लासीफाई करके अच्छा दिखता है और आपके जो है स्पष्ट तरीके से जब दिखते हैं तो अंक कटने की संभावना कम हो जाती है। गैर संस्थागत स्रोत, ये दोनों बातें आपने नोट कर लिया, है ना। एक तो आपका क्या हो गया इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक क्या हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब इसके अंदर, है ना, संस्थागत स्रोतों के अंदर में जो है वो क्या क्या आता है, तो आपका आ जाता है व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक, है ना, बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक। इसके अंदर में जो है आ जाता है RRB, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय, अब देख लीजिएगा हर सही तरीके हमारा गलत हो सकता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें और क्या आ जाएगा, इसमें एक सबसे बड़ा जो स्रोत हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं क्या, नाबार्ड, है ना, नेशनल बैंक। इसके बारे में शायद पूछा भी है क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।
तो ये जो है डायरेक्ट, हालांकि लोन तो नहीं देता किसानों को, लेकिन ये जो है वो रीफाइनेंस करता है इन दोनों को, ठीक है ना। तो इसलिए ये बड़ा एक स्रोत के रूप में लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये समझिए तो एक प्रकार से हेड है ना, इन सबको जो है लोन देता है और ये फिर जो है वो सबको किसानों को लोन देते हैं। गैर संस्थागत के तौर पर आप लिख लीजिए कुछ, सेठ साहूकार है ना, सेठ साहूकार, महाजन है ना, इसके अलावे खुदरा विक्रेता है ना, ये सब सारे लोगों का आप नाम लिख सकते हैं। इसके अलावे सगे संबंधी भी लिख सकते हैं, है ना, सगे संबंधी जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, वो लोग भी जो है वो लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, सगे संबंधी है ना। चलिए तो ये जो है कुछ हो गए क्या, संस्थागत स्रोत, कुछ हो गए गैर संस्थागत स्रोत। आपको चूंकि दो ही पूछा हुआ है कि दो स्रोतों का नाम लिखिए, आप व्यावसायिक बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिख दीजिए, या फिर व्यावसायिक बैंक और एक यहाँ से कोई उठा लीजिए। अब कोई सा भी दो लिखिए, दो चूंकि लिखने कह रहा है तो दो लिख दीजिए। अब इस प्रकार से अगर क्लासीफाई करते हैं तो सुपर है, लेकिन लिखिएगा दो ही, चूंकि हमने देखो इधर तीन लिख दिया है, इधर चार लिख दिया है, लेकिन आपको दो ही लिखना है, एक इधर लिख देना एक इधर लिख देना, हो जाएगा बात क्लियर, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या किया हुआ है, ग्रेटली फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था। तो ग्रेटली फॉरवर्ड जो है ये है कहाँ का, सबसे पहले मामला तो ये पता करो। ग्रेटली फॉरवर्ड जो है वो चाइना के अंदर में एक ऐसा प्रोजेक्ट के तौर पर आया जिसमें कि औद्योगिक विकास पर जो है विशेष रूप से बल दिया गया, और साथ में ही जो है वो कृषि को भी आगे लेकर के चला वो लोग, है ना, कृषि क्षेत्र को भी आगे लेकर के बढ़ने का प्रयास किया। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य क्या था कि तेजी से औद्योगिक विकास किया जाए और सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि का जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तैयार किया जाए और उत्पादन की जो है वो समाजवादी एक आर्थिक प्रणाली ढांचा तैयार हो देश के अंदर में। ये चाइना का जो था प्रोजेक्ट था, समझिए तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें दो बातें की गई, एक तो सामूहिक कृषि और दूसरा कि औद्योगिक विकास को तेज करना, बात सुनाया। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास को तेज करना, क्योंकि औद्योगिक विकास किस पर डिपेंड है, प्राथमिक क्षेत्र पर। तो प्राथमिक क्षेत्र पर कैसे डिपेंड है भाई, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में क्या चाहिए, कच्चे पदार्थ, और वो कच्चे पदार्थ कहां से मिलेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम औद्योगिक विकास बहुत तेजी से करें, और ये हुआ भी चाइना के अंदर में, ठीक है ना। और इसी वजह से जो है आपके और पूरे इंडिया के अंदर में ज्यादातर लोग जो है वो इनके हर एक प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल लगभग लगभग करते हैं, हर एक घर में लगभग चाइनीज प्रोडक्ट उपलब्ध मिलेगा आपको। ऐसा इसलिए चूंकि ये सस्ती वस्तुएं तैयार करते हैं, और दूसरी ये चीज कि सस्ती वस्तुएं होते हुए भी इसमें लगभग लगभग वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको महंगी वस्तुएं में मिल सकती है ना। हालांकि इसकी कही जाती है नो गारंटी नो वारंटी, चला तो ठीक नहीं चला तो भी ठीक, है ना। चलिए अब यहां पर ये हमने जो है पहला सेट करवा दिया है, ठीक है ना, पहला सेट कंप्लीट हो गया आपका, सेक्शन ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मॉडल सेट दो का, यानी कि मॉडल सेट दूसरे का जो है वो सात प्रश्न जो है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक छात्र के द्वारा चार विषयों में प्राप्त अंक कितना है, 10, 20, 15 और 5। तो माध्य जो है प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि उस बच्चे का टेस्ट हुआ होगा, है ना, आपकी तरह ही, कि उसने 20-20 अंक का टेस्ट दिया जिसमें उसे उसके प्राप्त अंक कितने आए भाई। तो प्राप्त अंक क्या बोल रहा है कि एक विषय में आया 10, दूसरे में आया 20, तीसरे में आया 15 और चौथे में आया 5। तो अब बताइए यहां पर उसका जो औसत अंक होगा या फिर औसत प्राप्त अंक होगा या फिर माध्य जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये तो चूंकि हमारा एक्स है तो इसलिए हम सारे वैल्यू को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहां पर कितना आ रहा है देख लीजिए आप, 20 और ये 20, 40 और 10, 50। तो सिग्मा एक्स हमारा आ गया 50। अब जो है यहां पर चूंकि आपको पता है माध्य बराबर क्या होता है, एक्स बार सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहां पर उसने कितने अंक हासिल किए टोटल, 50, ठीक है ना। कितने विषयों में, तो यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, चार विषयों में। इसको चार से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12.5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे निकाला जाएगा और इसका जो है उत्तर क्या होगा। अगर आप इसे जो है दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं कि इसका सिर्फ फॉर्मूला क्या होगा, हिंदी से लिख दीजिए जरा। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए,
सभी अवकलनों, है ना, सभी अवकलनों का योग, है ना, सभी अवकलनों का योग बटे में क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा अवकलनों की संख्या, क्या हो जाएगा? अवकलनों की संख्या, है ना। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। वैसे तो जनरली हम लोग इसका ये तो इस्तेमाल करते ही हैं शॉर्ट में, है ना। चले आगे बढ़े, लॉरेंज वक्र क्या है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि लॉरेंज वक्र क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये गरीबी से संबंधित है या फिर या आप कह सकते हैं विषमता से संबंधित है मुख्य रूप से, है ना। या असमानता जो हम लोग देखते हैं ना कि भारत के अंदर में राष्ट्रीय आय का क्या हुआ है, विषमता पूर्वक या फिर असमान रूप से या असमान ढंग से जो है वो राष्ट्रीय आय का वितरण हुआ है। जो हमारी टोटल नेशनल इनकम होती है उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो क्या होता है, अमीरों के हाथ में होता है, देख रहे हैं, और कम ही हिस्सा जो है वो गरीबों के हाथ में होता है। किस प्रकार से असमानता को हम लोग देख सकते हैं, सो ध्यान दीजिए। अगर हम ये आपसे कहें एक एग्जाम्पल के तौर पर कि राष्ट्रीय आय खास करके अल्प विकसित देशों की तुलना में जब बात की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका टोटल 100% नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। कैसे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 100% आपका नेशनल इनकम था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो वर्ग में, कैसे? एक वर्ग जो है वो यहाँ पर देखेंगे तो आप कह लीजिए कि जनसंख्या, है ना, ऐसा बोलिए कि जनसंख्या जो है वो कितना 20%, जनसंख्या कितना यहाँ पर 20% है, और इधर आप जनसंख्या कितना ले सकते हैं 80%, मान लीजिए ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं अभी, ये हो गया 80%। अब जो है टोटल 100% दो जनसंख्या में बटना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा इनके पास कितना है, राष्ट्रीय आय का अंश कितना है, अंश, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय का अंश इसके पास 80% है, यानी कि अधिकांश ये जो 100 रुपया था, मान लीजिए अगर 100 रुपया, तो 100 रुपया कितने लोगों के बीच में बट गया, 20 लोगों के बीच में बट गया, और यहाँ पर शेष जो 20% बचा या फिर 20 रुपया बचा है वो कितने लोगों में बटेगा, 80% जनसंख्या में, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए राष्ट्रीय आय का, है ना, राष्ट्रीय आय का हिस्सा या फिर अंश जो भी लिखते हैं आप लिख सकते हैं कितना है 20%। मतलब समझ रहे हैं, एक इधर जो आपका क्षेत्र बन गया ये किन लोगों का बन गया क्षेत्र बताइए, ये लोग अमीर हैं या गरीब हैं, या फिर ये लोग अमीर हैं या फिर गरीब हैं, बताइए कौन लोग अमीर हैं, इधर वाले या फिर इधर वाले। तो पता आपको चल रहा है क्या कि 20% ही जनसंख्या और उनके पास 80% राष्ट्रीय आय है। अगर आप इसे रुपए में बोलें तो क्या कहेंगे कि 20 रुपया जो है 20 लोगों के पास जो है वो 20 लोगों के पास कितना है 80 रुपया है, अगर रुपये में बात करें तो। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास देखा जाए तो कितना रुपया है, यानी कि अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालें, प्रति व्यक्ति आय निकालें, तो राष्ट्रीय आय कितना है इनके पास 80 रुपया, यानी कि राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या कितनी है 20, यानी कि इस प्रकार से देख रहे हैं कि चार चार जो है यहाँ पर रुपये सबके बीच में बट रहा है। लेकिन यहाँ पर हालत जस्ट उल्टा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं PCI आपका कितना निकल जाएगा, नेशनल इनकम चूंकि 20 है ना, अगर इसे प्रतिशत में नहीं बल्कि रुपया में बात करें तो, और जनसंख्या हमारा जो है वो 80 है ना। यहाँ पर आप पता कीजिए, ये आपका 0 0 कैंसिल, है ना, और ये 2/8 यानी कि कितना ये आ जाएगा आपका 1/4 यानी कि 0.25, समझ रहे हैं। एक तरफ 25-25 पैसा लोगों के हाथ में है और दूसरी तरफ लोगों के हाथ में 4-4 रुपए हैं, कितना ज्यादा विषमता है ना। ये यानी कि लोग जो है वो क्या हैं, अमीर वर्ग हैं या फिर कह लीजिए रिच पर्सन है, ठीक है, अमीर वर्ग कहलाएंगे ये, और ये क्या कहलाएंगे भाई, तो ये कहलाएंगे गरीब वर्ग। क्या कहलाएंगे? गरीब वर्ग कहलाएंगे। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आर्थिक विषमता क्या होती है। ऐसा मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि आपको ये प्रश्न पूछ सकता है
कि भारत में आर्थिक विषमता को स्पष्ट कीजिए, तो आप ऐसा अगर आपने नोट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी अंक कटेगा, ठीक है ना। चलिए ये हम लोग समझ लिए। अब चूंकि जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा था उस पर बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है कि लॉरेंज वक्र है क्या। देखिए 1905 के अंदर में जो है लॉरेंज वक्र विकसित हुआ 1905 में मैक्स और लॉरेंज के नाम से, और विचरण का रेखा चित्र द्वारा जो है प्रदर्शन इसे किया जाता है। हटाते हैं इसे और समझते हैं कि यह है क्या, ठीक है। क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही कि यह आर्थिक विषमता को जो है वो मापता है, एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए। तो इसे जो है रेखा से समझते हैं, रेखा चित्र से, या फिर इसे कह लीजिए कि हम साधारण सा एक चित्र बनाते हैं और देखिए इस पर क्या कह रहे हैं। यह हमारा एक जो है स्ट्रेट लाइन गया, ठीक है ना। इधर हम लेते हैं कि परिवारों की संख्या जो है वो उनकी आय है ना, आय है मान लीजिए प्रतिशत में, और इधर जो है जनसंख्या है आपका प्रतिशत में, ठीक है, ऐसा कुछ। लेकिन ये हमारा क्या हो रहा है, निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष समता रेखा। क्या होता है, निरपेक्ष समता रेखा, मतलब अगर इस लाइन से जा रहा है कोई चीजें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर विषमता ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म है, ठीक है। हालांकि ऐसा होना चाहिए जिसे हम आदर्श वक्र कहेंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ये कैसा होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसके और एक और जो वक्र बनता है उसमें अंतर हो जाता है ना, उसमें अंतर हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस वक्र से जितनी दूरी पर एक दूसरा वक्र होगा वो जो है क्या दिखा रहा है, उतनी ज़्यादा विषमता को दिखा रहा है। क्लियर है या नहीं। इसका मतलब ये टोटल जो हम हिस्सा रंग रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा विषमता बता रहा है। ये क्या बता रहा है, विषमता को बता रहा है कि इतनी ज़्यादा जो है वो विषमता है। बात समझ आ रहा है, यही लॉरेंज वक्र है और यहाँ पर जो है विषमता को चूंकि बताया, तो आप देख लीजिए कि इसको जो है विकसित कब किया गया था, 1905 में, किसके द्वारा, तो मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा, है ना, मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा। बात समझ में आ रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फटाक से कर लीजिए, हम इसे हटाएंगे, ठीक है। बहुत साधारण सी बात है ये सब चीज़ें समझना, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। आधार वर्ष होता क्या है, देखिए जब भी हम महंगाई का या फिर मुद्रास्फीति का पता लगाना चाहते हैं तो हम पिछले वर्ष से खास करके तुलना करते हैं। तो जो पिछला वर्ष होता है और जो अभी वर्ष चल रहा है, इन दोनों का जब तुलना किया जाता है तो पिछला वर्ष को ही हम लोग वास्तव में कहते हैं आधार वर्ष, ठीक है ना। तो इसका साधारण सा एक डेफिनेशन है कि आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसकी तुलना चालू वर्ष की कीमतों से की जाती है। जैसे कि हम लोग जब इंडेक्स निकाल रहे थे अभी जस्ट, है ना, प्राइस इंडेक्स, तो ऐसे लिख रहे थे P01। तो P0 कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों प्राइस है, आधार वर्ष का मूल्य और वर्तमान वर्ष का मूल्य, दोनों में तुलना हो रहा है। इसी चीज को तो लिख रहे हैं P01 से कि दोनों में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, हालांकि इसके अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो एक साधारण सा फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं आराम से। एक फॉर्मूला और भी होता है ना, P01 औसत जिसका हम निकालते हैं, ये तो सरल तरीके से हो गया, आसान हो गया सबसे। और एक होता है क्या, आप यहां पर ले लीजिए P1/P0 × 100, है ना। देखिए एक ही यहां पर सिग्मा हमने प्रयोग किया है, डिवाइडेड बाई एन, ये होता है औसत के लिए, ठीक है। औसत मूल्य सूचकांक जब निकालते हैं तो इस प्रकार से निकलता है, और एक हम लोग सरल तरीके से निकालते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इसको। और ये जो हमारा होता है वो आधार वर्ष का मूल्य है, ये वर्तमान वर्ष का मूल्य है, या फिर चालू वर्ष का मूल्य होता है। क्लियर है ये बातें, हटाते हैं इसे हम और बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के नाम लिखिए। केवल एक बोल रहा है तो एक ही लिखिएगा, अधिक लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा।
हालांकि कई सारे जो हैं कार्यक्रम चलाए गए गरीबी निवारण के लिए, जब से भारत आज़ाद हुआ और जब से हमारे देश के अंदर में योजना आयोग आई है ना 1950 के बाद, जब से 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, फिर 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसी प्रकार से भारत के अंदर में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार हुई। और 12वीं पंचवर्षीय योजना को हो सकता है आपसे काल पूछ दे, ठीक है ना, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कालावधि बताइए, तो 2012 में, याद रखना भी आसान है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आया 2012 में, कब तक चला 2017 तक चला। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए कि 2012 में शुरू हुआ और ये आपका 2017 तक चला 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब जितने भी देश के अंदर में पंचवर्षीय योजनाएं आई, जितने भी 1951 से लेकर के 2017 तक जो भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम बनना था, जो भी आना था आया, लेकिन वो सभी कार्यक्रम और योजनाएं ज़्यादातर जो गरीबी के लिए था वो असफल हो गया। इसका रीज़न क्या था कि देश के अंदर में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है ना, जो चीज़ें गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए हकीकत में वो धरातल पर सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच के सिस्टम में कुछ ऐसे भी लोग घुसे हुए हैं जो कि पूरे सिस्टम को खोखला बना करके रख देते हैं, ना आगे का पता लगने देते हैं ना पीछे का, वो बीच में ही उस चीज़ को दबा करके रख देते हैं, जिस वजह से गरीब लोगों तक जो है उनका सही लाभ नहीं पहुँच पाता है और ना ही देश के अंदर में गरीबी आज तक कम हुआ है। योजनाएं तरह तरह की बनती हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक ढंग से नहीं होगा तो गरीबी फिर कम कहां से हो सकता है, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा यहां पर बहस नहीं करने वाले हैं। तो यहां पर बोला क्या कि आप एक कार्यक्रम के नाम बताइए, तो वो सबसे बड़ा एक कार्यक्रम जो थोड़ी हद तक सफल मानी जा रही है देश के अंदर में वो है मनरेगा। महात्मा गांधी पर के नाम पर इन्हें रखा गया, 2009 में इसका नाम जो है ट्रांसफॉर्म हुआ था, और इससे पहले इसका नाम था नरेगा, बाद में कर दिया गया मनरेगा, है ना। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसा जो है नाम है, और यह ध्यान में रखिएगा महात्मा गांधी रोजगार, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम है, क्या है नाम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या, मनरेगा, ठीक है ना। तो मनरेगा जो है वो गरीबी निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण और सफल योजना रही है देश के अंदर में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत का नाम लिखिए। मानव पूंजी निर्माण कैसे हो सकता है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने सेट वन जब करवाया तो आपसे कह रहे थे हम कि मानव पूंजी है कौन, हम तो मानव हैं लेकिन क्या मानव पूंजी है, तो भाई है कब, जब हमारे अंदर शिक्षा, जब हमारे अंदर प्रशिक्षण और जब हमारे अंदर अनुभव हो और उसके आधार पर हम देश में कहीं ना कहीं राजनीतिक या फिर आर्थिक रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, तब हमें मानवीय पूंजी कहा जाएगा। तो मानव पूंजी निर्माण होता कैसे है, शिक्षा से, प्रशिक्षण से और अनुभव से। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर तो आपको पता ही है, शिक्षा और प्रशिक्षण, तो दोनों को लिख डालिए, बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी एक को नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मानव पूंजी निर्माण है, इसका स्रोत पूछ रहा है, तो शिक्षा पर निवेश अगर हम लोग करते हैं, शिक्षा पर ध्यान रखिएगा खर्च नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन कब, जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसलिए आप लोग भी कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए लिखिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा का जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके एजुकेशन पर, है ना, और वो जब मल्टीप्लायर देगा ना आपको, क्योंकि जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आप अच्छे जगह पर काम करोगे, जरूरी नहीं है कि नौकरी लगे, लेकिन जब आप अच्छे जगह पर, आप अच्छे विचारों से जब सृजित होंगे, उम्मीद है आपको अच्छे जगह पर काम के अवसर भी देर सही लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना। चलिए ईमानदार लेकिन बने रहिए अपने काम के प्रति और मेहनत से जो है अपनी चीज़ों को समझिए कि आज जो हमारे ऊपर जो है एजुकेशन के लिए खर्च किए जा रहे हैं, जो हमारे खाने पीने के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य पर जो है हमारे माँ पापा खर्चा कर रहे हैं, क्या इसका इन्वेस्टमेंट हम जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या हम दे पाएंगे या नहीं, इसकी चिंता करनी है आपको। और इसे जो है बार बार सोचना नहीं है, बल्कि आपको अपना जो चिंतन है ना, चिंता नहीं, चिंतन करना अपने स्टडी पर, उम्मीद है ये चिंता अपने आप दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा पर जो है निवेश एक मानव पूंजी निर्माण के लिए सबसे बड़ा स्रोत के नाम लिख सकते हैं आप। आगे चलिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, मैंने जो है चलते चलते आपसे बात किया था, जब हम स्रोतों के बारे में बात कर रहे थे
एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि नाबार्ड जो है वो देश के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया था कब, तो ये 12 जुलाई 1982 को, कब 12 जुलाई 1982 को जो है वो नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कि व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्या करता है, रीफाइनेंस करता है और साथ साथ में यहाँ पर किसानों के लिए जो है प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है नाबार्ड। ध्यान में रखिएगा इनके कार्यों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको स्पेशल एक वीडियो चाहिए कि नाबार्ड के कौन कौन से कार्य हैं, तो आप हमें जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये VVI क्वेश्चन एक प्रकार का हम समझ रहे हैं कि नाबार्ड के कार्यों को पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में, उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो नाबार्ड कब स्थापित हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। हाँ, इसका फुल फॉर्म जो है कई सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो इसे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ विद्यार्थियों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम काम कर रहे हैं स्पेशली। तो यहाँ पर देखिए नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड लिख दिए, तो NA कहने का मतलब क्या हो गया भाई, नेशनल, क्या हो गया, नेशनल, ठीक है ना, नेशनल। और ये जो बी है ना यहाँ पे बी फोर क्या हो गया, बैंक, ठीक है ना। ये फोर क्या हो गया, एग्रीकल्चर, क्या हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है। आर फोर क्या हो गया, रूरल, क्या हो गया, रूरल। और डी फोर क्या हो गया, डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट। एक बार तो मैंने ऐसे कर दिया, अब इसको एक साथ में लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा थोड़ा, क्या है, नेशनल बैंक फोर किसके लिए, एग्रीकल्चर, है ना, फोर एग्रीकल्चर, एंड किसके लिए बोला है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एंड रूरल, है ना। यहाँ पर नीचे हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है कि इधर आपको नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है, चलिए लिख देते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका जो है फुल फॉर्म हो गया किसका, नाबार्ड का, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, शिवरमन सिंह समिति, ध्यान में रख सकते हैं आप, शिवरमन सिंह समिति, ठीक है ना, इन्हीं के रिकमेंडेशन पर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था नाबार्ड को, कब, 12 जुलाई 1982 को। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। आखिरी का प्रश्न हम देख रहे हैं, सेट टू का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, इसे इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। सेट टू का आखिरी प्रश्न, हम धीरे धीरे प्रश्नों को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। आप वैसे तो YouTube को स्लो फास्ट कर ही सकते हैं, है ना, रेगुलेटरी बॉडी जो है ये तो आप ही हैं, YouTube को आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं। तो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक जो है अभियान किस देश में शुरू किया गया था, मैंने जो है इस पर क्वेश्चन आपको करवाया कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कि औद्योगिक विकास को तेजी से किया जाए और सामूहिक कृषि भी इसमें विशेष रूप से बल दिया जाएगा, ये तो मैंने बता दिया आपको। और ये चाइना का प्रोजेक्ट था एक प्रकार से समझिए, है ना, चाइना का ये योजना है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो अभियान है ये कहां पर शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट था चीन का, तो चीन में शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर, सेट थ्री जो है, सेट थ्री का अब हम लोग बात करते हैं। और प्रश्न संख्या पहला, पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 12, 15, 18, 7 तथा 8 की मध्य का क्या होगी, मध्य का यानी कि मीडियन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। संख्या पहले कितना दिया हुआ है, देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर पहला है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 12 दिया हुआ है, 15 है, 18 है, 7 है और आपका 8 भी है, ठीक है ना, इस तरह से संख्या दिया। अब बताइए मीडियन निकालने के लिए, मध्य का निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले तो इसे हम अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे इसे हम अरेंज अगर करेंगे तो लिखेंगे क्या, एरी ऑफ क्या, एक्स, कब हम इसे मान लेते हैं एक्स, क्लियर हो गया। अब ये सारे एक्स थे, इसे हम अरेंज कर रहे हैं, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो छोटी से छोटी संख्या फिर बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे भी लेना आप ले सकते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग के अंदर। तो हमने जो है इस प्रकार से सजा लिया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना है, चूंकि ये इंडिविजुअल सीरीज में है तो हम लोग जानते हैं स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है भाई, तो साइज ऑफ क्या लिखते हैं, n प्लस 1 बाई 2 वेथ आइटम, है ना। तो इसे फाइंड हो जाएगा कि किस जगह पर हमारा जो है मीडियन है। तो देखिए
इसीलिए जो है वो मीडियन को ध्यान में रखिएगा। मीडियन को एक और नाम से जाना जाता है। अगर वैकल्पिक नाम पूछे आपको कि मध्यका का वैकल्पिक नाम क्या है, तो मध्यका को हम लोग कहते हैं क्या, पोजिशनल एवरेज। क्या कहते हैं? पोजिशनल एवरेज कहते हैं। तो ये देखिएगा पोजिशन कैसे भी बताएगा तू। तो साइज ऑफ एन प्लस वन बाई टू आइटम का मतलब क्या हो गया, एन कितना होगा, तो एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पर पाँच प्लस एक हमने कर दिया, दो से भाग किया, इतना में आइटम हम लोग लिख रहे हैं। अब ये फिर से देखिए, स्टेप मत छोड़िएगा। यहाँ पर छः बटे दो, आपको मैथमेटिकल नहीं बनना है पूरा, है ना, आप स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स बने रहिए, ठीक है। एक एक स्टेप को आप जो है बताइए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि थर्ड आइटम जो होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो थर्ड आइटम देखिए एक दो तीन, तीसरा आइटम कौन सा है, बारह, इसलिए 12 ही आपका क्या होगा भाई, मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन होगा या फिर मध्य का होगा, ठीक है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों कैसे लिखेंगे कि n प्लस वन बाई टूवेथ वे पद का आकार, है ना, n बाई टूवे पद का, n प्लस वन बाई टूवे पद का आकार, ऐसा लिखेंगे इसको। उसके बाद आप लिखते जाइए, बात समझ आ गया होगा। तो मध्य का हमारा कितना निकल गया, 12। कैसे निकला, चूंकि इन्होंने बता दिया कि थर्ड हमारा जो आइटम है वही हमारा क्या है, मीडियन है। उस समय आप इधर से काउंट कीजिए चाहे इधर से काउंट कीजिए, आपका वही जाएगा, है ना, बार बार एक दो तीन एक दो तीन। तो पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पर वो आपका वैल्यू जो है वो छुपा हुआ है, इसीलिए हम लोग मीडियन को बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न संख्या दूसरा, देखिए क्या बोल रहा है। सो प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, प्रमाप विचलन मतलब अंग्रेजी में जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं प्रमाप विचलन को। तो प्रमाप विचलन होता क्या है, ठीक है, इसको क्या करने बोला है, अच्छा किसे कहते हैं, परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो श्रेणी जो है, श्रेणी में जितने भी हमारा जो कह लीजिए कि दिया रहता है वैल्यू, उसका जब हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं, तो समांतर माध्य के उसके विभिन्न पदों के वर्गों का जब हम लोग वर्गमूल करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रमाप विचलन। जैसे देखिए जो हमारा प्रमाप विचलन है वो निकलता कैसे है। सो तो यहाँ पर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, एन माइनस क्या, सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर, ये हमारा पहला एक सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, और अगर आप प्रत्यक्ष विधि वाला लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये तो आपका हो गया कौन सा, कल्पित माध्य विधि द्वारा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं प्रत्यक्ष विधि से, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या एन माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, और ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु विधि, या फिर आप इसे एज्यूम्ड मीन विधि भी बोल सकते हैं, एज्यूम्ड किया गया यहाँ पे, समझ लीजिए तो, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कीमत सूचकांक को परिभाषित कीजिए। हम लोग तो कीमत सूचकांक का फॉर्मूला भी देख चुके हैं, है ना, और लेस्पेयर पासे और किसका बोले थे, इसका हम लोग क्या कह रहे थे उसे, हम फिशर का आदर्श सूचकांक, ये भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, आगे देखिएगा प्रश्न, कीमत सूचकांकों को परिभाषित कीजिए। तो एक मूल्य सूचकांक संख्या किसी विशेष अवधि के लिए कुल मूल्य के अनुपात से बनती है, जो कि आधार अवधि में पाए जाने वाले कुल मूल्य के अनुपात से होती है। इसका डेफिनेशन ये हो गया। अब देखिए इसे जो है किस प्रकार से लिखेंगे, सो कि हमारा P01 हमने क्या बताया, अनुपात बताया यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखिए सिग्मा P1 बाई P0 इंटू कितना 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N। यही हमारा जो है ये हम कह सकते हैं क्या निकल गया, हमारा कीमत सूचकांक निकल गया। इसकी परिभाषा मैंने क्या बोला, एक बार ध्यान से देखिएगा, एक मूल्य सूचकांक संख्या किसी विशेष अवधि के लिए, विशेष अवधि मतलब कि हमको किस वर्ष का फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, किस वर्ष को आधार वर्ष लेना है, किस वर्ष को चालू वर्ष लेना है, इसीलिए बोल रहा है किसी विशेष अवधि के लिए, यहाँ पर समय भी नहीं बात कर रहा, अवधि बोल रहा है, ठीक है ना। अवधि का मतलब क्या होता है, जिसमें दो टाइम लिमिटेशन हो, प्रारंभिक समय और अंतिम समय, ध्यान रखिएगा, जैसे मंडे टू फ्राइडे, या फिर 9 से 10, 10 से 12, इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें कि समय अंतराल होता है, ठीक है ना, उसी को अवधि कहते हैं।
तो क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, एक मूल्य सूचकांक संख्या किसी विशेष अवधि के लिए कुल मूल्य के अनुपात से बनती है, कुल मूल्य के अनुपात से बनती है, अनुपात कुल मूल्य के अनुपात से बनती है, जो कि आधार वर्ष में या फिर आधार अवधि में पाए जाने वाले कुल मूल्य के अनुपात से होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीजें। क्या कह रहा है कि हमारा जो औसत निकलेगा ये हमारा P1 बाई P0 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं इस प्रकार से फॉर्मूला लगा रहे हैं, यही हमारा जो है वो क्या है, कीमत सूचकांक है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या चौथा, बोला कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। भारत में क्या है ना कि अलग अलग समितियां जब बनी तो गरीबी का आकलन करने के लिए तो उन्होंने अपना अलग अलग स्टैंडर्ड अपनाया, किसी ने उपभोग के आधार पर बताया, किसी ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बताया, तो सबका एक अलग अलग मानक तय हुआ। हालांकि यहाँ पर न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार कह रहा है, तो एक साधारण सा समझ लीजिए गरीबी का अनुमान किस प्रकार से लगाया गया, ठीक है ना, गरीबी का अनुमान किस प्रकार से किया गया सो देखिए जरा। बोला क्या कि अगर हम देखें योजना आयोग के अनुसार, ठीक है ना, क्या बोला है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना उपभोग करेगा, अगर 2400 कैलोरी उपभोग कर रहा है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देते 2400 कैलोरी अगर उपभोग कर रहा है तो वह जो व्यक्ति है वो समझिए कि ठीक ठाक है ना, और इससे अगर कम उपभोग कर रहा है तो समझो गरीब है। और 2200 कैलोरी जो है वो किसके लिए निर्धारित किया गया, तो ये था किसके लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, है ना, और ये किसके लिए था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति दिन, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना, 2400 कैलोरी कहां पर, ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में कितना उपभोग करेगा, 2200 कैलोरी कहां पर, शहरी क्षेत्र में। अच्छा यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक कैलोरी जो है क्यों निर्धारित किया गया था, ऐसा बताइए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर किस पर डिपेंड होते हैं, कृषि पर या फिर कृषि संबंधित क्षेत्र पर जो है वो लोग अपना व्यवसाय ढूंढते हैं, और चूंकि उन्हें ज्यादा जो है वो ज्यादा क्या करना पड़ता है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है, लेकिन इन शहरी लोगों को जो है वो शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, बल्कि हर एक कार्य जो है लगभग लगभग मशीनों के द्वारा लेते हैं, चाहे तो वो इलेक्ट्रिक से चलता हो या फिर सोलर से चलाते हों या फिर जैसे भी यूज करते हों, मतलब ये थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करते हैं अपने जीवन में, एक प्रकार से समझिए, और ये जो है वो अपने आप को अपनी शारीरिक क्षमता को जो है वो ज़्यादातर झोंक देते हैं अपने जीवन में, बात समझ में आ रही चीज़ें, इसलिए इन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है काम करने के लिए, इन्हें ज़्यादा ऊर्जा की क्या आवश्यकता भाई, लेकिन मामला होता है उल्टा ही, ये ज़्यादा कैलोरी उपभोग करते हैं इसीलिए इनका जो है वो, समझ रहे हैं आप बात को, तो इस प्रकार से ये जो है वास्तव में इन्हें उपभोग करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन होता है उल्टा, ये उपभोग समय पर नहीं कर पाते पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि धूप में या फिर जो है बरसात में लगे हुए हैं काम पर, है ना, तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की वास्तविक और हकीकत स्थितियाँ हैं। फिर मामले देख लो उल्टा ही होता है, अगर बीमारी की बात करें तो, है ना, ये जो मोटापा बढ़ जाता है लोगों का यहाँ पर शहरी क्षेत्र में रह करके, इन मोटापे लोगों का जो है वो इलाज चलते रहता है, अब इन्हें जो है वो किसी तरह की कोई बीमारी जल्दी होती नहीं, अरे होती है तो वो छुमंतर काम करते करते हो जाता है ना, ऐसा इनका मानना होता है, लेकिन हकीकत में इन्हें जो है वो जांच जो है आवश्यकता होती है, या फिर इन्हें भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है, लेकिन ये जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अच्छा खासा उठाते हैं। कुछ चीज़ें बहुत पेचीदा है, आप जो है न्यूनतम उपभोग कैलोरी के आधार पर अगर बात करें तो आप देख लीजिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में योजना आयोग के अनुसार 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लोग अगर 2200 कैलोरी उपभोग कर रहे हैं तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे, लेकिन इससे अगर कम उपभोग हो पा रहा है उनका तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण लिखिए। अरे एक कारण है क्या, हजारों कारण है, आपसे तो सिर्फ एक कारण मांग रहा है।
हमारे देश के अंदर में ना कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जो सिर्फ महिलाओं को शिक्षित कर देने से ऑटोमेटिक समाप्त तो हो जाएगा। जैसे अगर बात मैं करूं तो इससे जो है जुड़ा हुआ, जैसे नारी सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी आप चीजों की बात करते हैं, तो यहां पर महिलाओं को अगर आप पीछे छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आप सामाजिक विकास ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सामाजिक विकास में जो है महिलाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे हमने लिखा हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, बोले कि शिक्षा मानव जीवन का महत्वपूर्ण जो है वो क्या होता है, मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? शिक्षा। मानव जीवन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमन लाइफ में एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जानवरों और हम में अगर कुछ फर्क है तो सिर्फ ज्ञान का है और वो हमारी समझ का है, नहीं तो हमारे और जानवरों में फिर कोई फर्क नहीं है। देख लीजिए, शिक्षा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जिस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है वहां पर क्या होगा, सुव्यवस्थित तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं। भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहां पर शिक्षा पर हमेशा से जो है एक तरफा ध्यान रहा, पुरुष प्रधान चूंकि समाज रहा है तो नारी शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं रहा। और एक सबसे बड़ा कारण तो ये मिल गया कि एक तरफा ध्यान था। दूसरी तरफ जबकि देश के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए पुरुष तथा नारी दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है, इसलिए ये हमारा एक सबसे बड़ा कारण निकल करके आया कि भारत में जो है शुरुआत से ही एक तरफा ध्यान दिया गया। आप यहाँ पर थोड़ा सा और भी जो है एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि देश में अगर सामाजिक मुद्दों पर बात किया जाए तो सामाजिक कुरीतियाँ जो है वो बहुत हद तक तब दूर हो सकती है जब हम नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करें, है ना। यानी कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ही जो है वो नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। जैसे भ्रूण हत्या एक सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति है, इसके अलावा कई जगहों पर आज भी जो है बाल विवाह होता है, है ना। तो इन सब चीज़ों से जो है अगर मुक्ति मिल जाएगा हमें तो निश्चित तौर पर एक सही और सामाजिक विकास हमारा देश का हो सकेगा। नेक्स्ट देखिएगा, छठा प्रश्न है, कुटुंब श्री क्या है। कुटुंब का मतलब क्या होता है, कुटुंब का मतलब होता है परिवार और श्री का मतलब होता है क्या, महिला, है ना। कुटुंब का मतलब क्या हो गया, परिवार, और श्री का अर्थ हो गया क्या, महिला। तो इस प्रकार से दोनों अर्थों को मिला दिया जाए तो क्या मिल गया हमारा, कुटुंब श्री। कुटुंब श्री जो है वो केरल सरकार की ओर से जो है शुरू की गई एक पहल है। ये संस्था गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसका गठन जो 1997 में किया गया था, कब किया गया था, कुटुंब श्री जो है वो कहाँ शुरू किया गया, केरल के अंदर, और कब हुआ, 1997 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी महिलाएं, कामकाजी महिलाएं जो काम से जुड़ना चाहती हैं, जो रोजगार प्राप्त करना चाहती है, खेल खिलौने गुड़िया वगैरह बनाना चाहती है, वे जुड़े इसमें, है ना। कुटुंब श्री क्या है, एक प्रकार का योजना है, समझिए, है ना। कहाँ की योजना है भाई, कहाँ की पहल है ये, तो केरल सरकार ने इसको शुरू किया गया था तो केरल की है, और 1997 में शुरू किया गया था। जो खेल खिलौने होते हैं या फिर जो गुड़िया वगैरह कह सकते हैं, या फिर जो काम करना चाहते हैं छोटे स्तर से लेकर के, उन सब के लिए कुटुंब श्री जो है शुरुआत किया गया था केरल के अंदर 1997 में। लेकिन केवल इसमें क्या है खास बात, कि सिर्फ महिलाएं ही इसमें जुड़ सकती है, क्योंकि कुटुंब का अर्थ क्या है, परिवार, और श्री का मतलब क्या है, महिला, यानी कि महिलाओं का परिवार, समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार किए गए। चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में, है ना, फाइनल स्टेज नहीं बात कर रहा है, इनिशियल स्टेज की बात कर रहा है यहाँ पर, कि किन क्षेत्रों में सुधार किए गए, यानी कि पहले की बात कर रहा है। तो ये लोग शुरुआत कहाँ से किया था, द्वितीय क्षेत्र पर। द्वितीय क्षेत्र पर जो है इसने विशेष रूप से ध्यान दिया, इसी वजह से इनका जो औद्योगिक विकास है बहुत तेजी गति से हुआ। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। लिख सकते हैं कि चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में जो है द्वितीय क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, जिसके कारण चीन की जो औद्योगिक वृद्धि, औद्योगिक विकास रहा वो बहुत तेजी रहा, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है ये मॉडल सेट 1, 2 और 3 का मैंने सारे प्रश्न करवा दिए हैं, यानी कि 21 प्रश्नों का मैंने जो है आपको हल करवाया। इन 21 प्रश्नों का जो है आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे जाइए, आसानी से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। समय हमने लिया, लेकिन समय हम इसलिए लेते हैं ताकि आप अपने तरीके से जो है परीक्षा में
अपना उत्तर दे सकें। ये नहीं कि हमने जो कहा वो वो आप लिख दिए। अब जैसे डेट वगैरह है तो इसे आप तो चेंज नहीं कर सकते ना, कोई नाम है स्पेशल उसे आप तो नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ चीज़ें डायनेमिक होती है, जैसे कि लिखने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरे की तुलना में अगर ये आपने अच्छे से कर दिया तो स्कोर आपका बेटर हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।